नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप लोगों का टेक जे टिप चैनल में बहुत ही स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से पॉलिटेक्निक का फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन। इसमें आपको दिखाया गया है कि ऑनलाइन की जो डेट है वो 15/3 है और साथ ही इसमें क्या क्या तरीका है वो बताया गया है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखा है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को ओपन कीजिए और ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको इस तरह का आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये डायरेक्ट लिंक है और डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखा है, वहां से आप क्लिक कर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर लिख सकते हैं jcecb.nic.in, ये डायरेक्ट लिंक है और यहां आप देख सकते हैं इसका एड्रेस। इसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस है उस पर जाकर आप प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं और इस लिंक पर जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन 4 लिखा हुआ है, उसमें यहाँ पे पॉलिटेक्निक सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद ये है इन्फॉर्मेशन जिसको आपको पढ़ना है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड में क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म को देख सकते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई है उसको आपको फिल अप करना है और इसमें आधार कार्ड जो है वो बहुत ही जरूरी है, तो अपना डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लीजिए और जो भी आपका मैट्रिक कार्ड है उसी को आप फिल अप कीजिए। यहाँ पर कैंडिडेट नेम में अपना नाम देना है, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। तो चलिए भरते हैं। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर दे दीजिए और उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर चुनना है। फर्स्ट चॉइस चुन लीजिए, सेकंड चॉइस चुन लीजिए और उसके बाद यहाँ पर पास स्कोर, यहाँ पर आप यदि अपियरिंग है तो अपियरिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा और अगर आप पास डाउट है पास आउट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये पेज जो है वो लोडिंग लेगी और उसके बाद में आपको इंतजार करना है और लोड होने के बाद ही आपको फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर यहां पे आपको परसेंटेज फिलअप करना है, अपना रोल नंबर, फिर अपना स्कूल का नाम देना है और उसके बाद स्कूल का पिन कोड दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड किस तरह रखना है, इसमें एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, स्पेशल मार्क भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए, मतलब इसी ये सबको मिलाकर आपको पासवर्ड बनाना है। फिर यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड दीजिए, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सिलेक्ट करना है और उसका जवाब आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को एंटर कीजिए और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन आ चुका है। अगर सब सही है तो ओके कर क्लोज कर लीजिए और उसके बाद फिर चेक कर लीजिए सारा डॉक्यूमेंट का जो भी आप फिलअप किए हैं।
ध्यानपूर्वक चेक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे में यहाँ पर फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले आप आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों मेरा ये पूरा हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर भी मुझे मिल चुका है और यहाँ पे आप अब आपको अपना इमेज अपलोड करना है तो अपलोड इमेज पे आपको क्लिक करना होगा। आपको फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है तो मैं कर लेता हूँ। सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ ओके सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पेमेंट की बारी है, अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो है वो केवल ऑनलाइन ही है, इसमें आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और आपका जितना रुपये का पेमेंट है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।